नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th में इतिहास में वीर दुर्गादास राठौड़ का अध्ययन करेंगे। इनसे पहले हमने महाराणा प्रताप का जीवन परिचय, हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर के अभियान प्रताप के विरुद्ध एवं महाराणा प्रताप की जो एक चारित्रिक विशेषता थी उसका अध्ययन किया था। आज एक ऐसे वीर पुरुष राठौड़ वंश में पैदा हुए मारवाड़ की व्यक्ति वीर दुर्गादास का है वो अध्ययन करेंगे। वीर दुर्गादास निसंदेह एक महान व्यक्तित्व व प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वीर दुर्गादास राठौड़ का पूरा जीवन स्वामी भक्ति में रहा और इनके द्वारा किए गए कार्य उपकार आज भी एक स्वामी भक्ति के दर्शन करवाते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। सबसे पहले हम वीर दुर्गादास राठौड़ का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे और फिर इनके द्वारा किए गए कार्यों को एक एक करके हैं वो समझेंगे। तो देखिए, वीर दुर्गादास राठौड़ का कार्यकाल 1638 से 1718 ईस्वी माना जाता है। दुर्गादास का जन्म 1638 ईस्वी में मारवाड़ के सालवा ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी महाराजा जसवंत सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह की सेवा में रहते थे, जिनका नाम आसकरण था। ये आसकरण की तीसरी पत्नी की संतान थी। आसकरण इनके पिता थे, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। आसकरण को मारवाड़ में सालवा की जागीर मिली हुई थी। प्राचीन काल में जो शासकों के मंत्री, दरबारी, अन्य जो व्यक्ति होते थे उनको सेवा के बदले उस राज्य में कोई न कोई जागीर दी हुई होती थी, तो मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के जो मंत्री आसकरण थे, वीर दुर्गादास राठौड़ के पिता, उन्हें सालवा की जागीर मिली हुई थी। और कालांतर में मुहूर्त नैणसी के बाद उसे मारवाड़ का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया था। अब आसकरण अपनी पत्नी से प्रेम न करने के कारण वे दुर्गादास राठौड़ व उनकी माता से अलग रहने लगे। दुर्गादास राठौड़ की माता आसकरण की पत्नी के बीच मनमुटाव था और अलग कर दिया था। उस समय दुर्गादास बालक थे और दुर्गादास ने बाल्यावस्था में ही जब अपने पिता द्वारा माता पर अत्याचारों को देखा तो बड़े दुखी हुए और उन्होंने दुखी मन से, पीड़ित मन से अपनी माता से कहा कि माता, चलो हम सालवा जाके छोड़ के कहीं और चलते हैं,
मैं खेतीबाड़ी करके आपका पेट भर दूंगा, अपन गुजारा चला देंगे। और इस पर दुर्गादास की माता व दुर्गादास सालवा ग्राम छोड़कर लुणावे गांव में जाकर बस गए। और लुणावे गांव में दुर्गादास राठौड़ व उनकी माता खेती बाड़ी का कार्य करके अपना गुजारा चलाते थे। 1655 ईस्वी में जब उनके खेत में फसल लहलहा रही थी और ऐसी स्थिति में मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह का राजकीय चरवाहा वहां से राजकीय ऊंटों को लेकर जा रहा था। राजकीय चरवाहा होने के कारण उसने खेतों के अंदर खड़ी फसलों को अपनी ऊंटों से चौपट करवाना शुरू कर दिया। इससे खड़ी फसल खराब हो रही थी। दुर्गादास राठौड़ ने बड़ी मेहनत से फसल पैदा की थी। इस पर दुर्गादास राठौड़ ने राजकीय चरवाहे को मना किया कि खड़ी फसल हम खराब नहीं होने देंगे, हमने बड़ी मेहनत से फसल बोई है, उगाई है। इस पर राजकीय चरवाहे और दुर्गादास राठौड़ के बीच कहा सुनी हो गई, तो मैं हो गई। पर 1655 ईस्वी में कुछ अपशब्द बोलने के कारण दुर्गादास राठौड़ को गुस्सा आ गया, नाराज हो गए और उन्होंने राजकीय चरवाहे की हत्या कर दी। जब ये पूरा वृतांत मारवाड़ के जसवंत सिंह के पास पहुंचा तो जसवंत सिंह ने राजकीय चरवाहे की हत्यारे दुर्गादास राठौड़ को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। दुर्गादास राठौड़ महाराज के आदेश के अनुसार दरबार में उपस्थित हुए और जब उनसे पूछा कि आपके पिता कौन हैं, तो दुर्गादास ने आस्करण का कहा। आस्करण ने कहा कि महाराज, मेरे सब बेटे राज्य सेवा में हैं, गांव में कोई मेरा बेटा नहीं है। तब महाराजा ने जब दुर्गादास को अपने पास बुलाकर सारी बात पूछी तो दुर्गादास ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और कहा कि राजकीय चरवाहा लापरवाहीपूर्ण खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा था, हमारी मेहनत की कमाई से पैदा की फसलें नष्ट हो रही थी और इसके अलावा उसने आपके दुर्ग को भी अपशब्दों के साथ बिना छज्जे का थोड़ा ठूंठा अर्थात बिना छत का सफेद खंडहर कह दिया। इस कारण महाराज दुर्गादास ने कहा कि चरवाहे की हत्या की। पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद महाराजा जसवंत सिंह ने आस्करण से पूछा कि आस्करण, तुम कहते थे कि गांव में मेरा कोई बेटा नहीं है, सारे बेटे राज की सेवा में हैं। इस पर आस्करण ने कहा कि महाराज, कपूत को बेटों में नहीं गिनते। महाराजा जसवंत सिंह स्थिति समझ गए
और महाराजा जसवंत सिंह ने उस समय कहा था कि आस्करण, ये आपका भ्रम है, आपका ये पुत्र दुर्गादास यही कभी डगमगाते हुए मारवाड़ को कंधा देगा। और दुर्गादास के विचारों से महाराज जसवंत सिंह प्रभावित हुए और उन्होंने दुर्गादास को अपनी सेवा में रख लिया। दुर्गादास ने बड़ी मेहनत से, लगन से कार्य किया। इसी कारण 1667 ईस्वी में दुर्गादास राठौड़ को महाराजा जसवंत सिंह ने खुश होकर 12,000 रुपये की वार्षिक आय वाले 5 गांव चावर, समदड़ी, जगीसा कोटड़ी, अंबारोवाड़ो और अमरसर गांव दिए थे। कालांतर में जसवंत सिंह द्वारा मारवाड़ के रायमल, बालो, जवणदेशर और बामसेन गांवों के साथ रोहतक, परगने का लुणोद गांव भी दुर्गादास को जाकिर के रूप में दे दिया। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि वीर दुर्गादास राठौर ने बचपन में ही अपनी योग्यता, साहस, पराक्रम और स्वामी भक्ति का परिचय दिया था और उनकी कार्यकुशलता और सेवा से प्रभावित होकर महाराजा जसवंत सिंह ने उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार जागीरी गांव भी प्रदान किए थे। दुर्गादास राठौर बचपन से ही मेधावी और हर परिस्थिति को समझने में योग्य थे और जसवंत सिंह के द्वारा की गई भविष्यवाणी कि जब आसकरण ने कहा कि महाराज कपूत को पुत्र नहीं कहते, तो महाराजा जसवंत सिंह ने भविष्यवाणी की थी कि आसकरण ये तुम्हारा भ्रम है, देखना है तुम्हारा ये बालक एक दिन मारवाड़ के डगमगाते हुए साम्राज्य को कंधा देगा। और उनकी यह बात आगे जाकर के सत्य हैं वो सिद्ध हुई थी, क्योंकि उस समय में भारत में मुगल शासक औरंगजेब की सत्ता थी। औरंगजेब कट्टर इस्लाम मानने वाला था, वह किसी भी तरीके से हिंदुओं का पक्षधर नहीं था और उस समय मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह अपनी स्वामी भक्ति, निष्ठा, हिंदुत्व धर्म और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे। जब शाहजहां के बाद शाही मुगल राजवंश में दारा और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष 1658 में धर्मत का युद्ध, 1659 में दोहराई का युद्ध हुआ, तो इन दोनों ही युद्धों के दौरान जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया था, लेकिन विजय औरंगजेब की हुई, शासक औरंगजेब बन गया, इसलिए वह जसवंत सिंह से ईर्ष्या रखता था। महाराजा जसवंत सिंह को वह अपने छल कपट से पराजित करना चाहता था।
जब मारवाड़ को विपत्ति आई और उन्हें डगमगाते राज सिंहासन को सहारे की जरूरत महसूस हुई, तब दुर्गादास राठौर ने एक महत्वपूर्ण कार्य कर महाराजा की भविष्यवाणी को सत्य साबित किया। इसका अध्ययन हम कल अगले वीडियो में है वो करेंगे। थैंक यू।